ओम ज्ञानं तमिरमासि ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। हम लोग 12वें अध्याय में चल रहे हैं, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए निराकार उपासक और साकार उपासक इन दोनों में बोले कौन श्रेष्ठ है, इसका भगवान ने बड़ी स्पष्टता के साथ उत्तर दिया। और जो साकार उपासक हैं उनको भगवान ने घोषित किया, यही सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं। कई बार हम लोग संसार में लोगों को पहचानने में भूल कर बैठते हैं कि लोग वास्तव में साकार उपासक हैं या निराकार उपासक हैं, क्योंकि जो निराकार उपासक हैं वो भी कई बार जब निराकार उपासना के लिए उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं तो उपासना कहाँ से आरंभ करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, किसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। इसके लिए वो लोग अलग अलग प्रकार के लाइट का भी प्रयास करते हैं। सामने कोई कैंडल जलाता है, कोई दिया जलाता है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के कलर्स भी लोग चूज करते हैं। लोग सोचते हैं पहले ऑरेंज लाइट, बोले उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए, फिर जैसे 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 बोले हमारी प्रगति होगी फिर हमें लाइट के अंतर्गत ही अलग अलग प्रकार के कलर्स दिखाई देंगे। जब हम ध्यान करेंगे निराकार का तो फिर हमारे जीवन में ब्लू लाइट आ जाएगी। ऐसा लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं होती हैं निराकार का ध्यान करने की चेष्टा करते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के पास आकर के हाँ एक लड़की आकर के कहती है, प्रभुपाद आई एम मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा एंड आई एम चैंटिंग योर होली नेम एंड वाइल आई एम चैंटिंग आई एम सीइंग डिफरेंट कलर्स इन माई माइंड। अलग अलग प्रकार के कलर्स मेरे को दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार की लाइट दिखाई देती। तो ऐसा दर्शाना चाह रही थी प्रभुपाद जी को कि बहुत प्रगति कर रही है और लाइटें दिख रही हैं, वो प्रकाश दिखने लग गया है। प्रभुपाद जी कहते कीप ऑन चैंटिंग, बोले बस जपते रहो एंड विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑल योर कलर्स विल गो अवे। तो सारे कलर्स तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे। वो सोच रही थी कलर्स में और वेराइटी आएगी आगे चल करके। उपा जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन से कलर ही सारे चले जाएंगे। तो वास्तव में जो साकार उपासना है वो इस प्रकार से लाइट वगैरह का ध्यान करके ऊपर की ओर जाने का जो विधान है ये साकार उपासना के अंतर्गत नहीं होता। निराकार उपासक इस प्रकार से प्रयास करते हैं और निराकार उपासना में भी बहुत सारे लोग तो इसमें सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाते, क्योंकि भगवान ने घोषणा किया है क्लेश अधिक तरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त की ओर आसक्त है कोई व्यक्ति जिसमें सामने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे निराकार उपासक भी शुरुआत में किसी एक जगह मन को टिकाने के लिए साकार उपासना का सहारा लेते हैं, लेकिन होते वो निराकार उपासक हैं। हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार ऐसे लोगों को देख करके। रूपा जी
ऐसे साकार उपासकों के लिए जो कि तथाकथित हैं, वास्तविक साकार उपासक नहीं है। ये लोग किन ऑब्जेक्ट्स को सामने रखते हैं? बोले ये लोग शंकर भगवान को सामने रख करके आराधना चालू करते हैं। कई बार माता दुर्गा की आराधना से ये लोग अपने जीवन में भक्ति को चालू करते हैं। कई बार गणेश जी को सामने रख करके आराधना चालू करते हैं, और कई बार सूर्य देव की आराधना से चालू करते हैं, और कई बार भगवान विष्णु की आराधना से भी चालू करते हैं। इस प्रकार इससे पंचोपासना की जो विधि है, जो शास्त्रों में वर्णित है, ये भी एक रास्ता है। तो कई बार किसी व्यक्ति को शिव जी की आराधना करते हुए, दुर्गा की आराधना करते हुए, गणेश जी की आराधना करते हुए, सूर्य उपासना करते हुए, या भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखते हैं, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे ये तो बड़े साकार उपासक हैं। लेकिन मूलतः वो लोग साकार उपासक नहीं होते। वो क्या सोचते हैं, सब कुछ निराकार से आया है। शुरुआत में हमें सहारा लेने के लिए, एक जगह पर केंद्रित होने के लिए, दिमाग को थोड़ा सा फोकस करने के लिए हमें इनकी सहारा लेने की आवश्यकता है, और फिर जैसे जैसे हमारी प्रगति हो जाएगी और निराकार का हम अनुभव करने लग जाएंगे, तब इनको हम साइड में कर देंगे। अभी मूर्ति सामने रखने की आवश्यकता है, जिससे इस मूर्ति के माध्यम से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये लोग कृष्ण को भगवान मानते नहीं, भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते, भगवान विष्णु को एक ध्यान करने का एक आधार मानते हैं, भगवान शंकर को ध्यान करने का आधार मान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो उपाय है, ये कई बार साकार उपासकों को भ्रमित कर देता है। साकार उपासक सोचने लग जाते हैं कि अरे ये भी साकार उपासक है, इनमें से कोई साकार उपासक नहीं है। बहुत सारे लोग संसार में आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की इस भगवदगीता का आश्रय लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो कई बार कहते हैं ये गीता, हाँ कृष्ण अवतार किसी मेनली निराकार ने ही अवतार लेकर के इसको बताया, बाकी वो माया के अंतर्गत है, बाकी वो मूलतः निराकार ही है। इस प्रकार से कृष्ण को भी वो लोग गीता का आश्रय लेते हुए कृष्ण को भी नहीं मानते, जैसा कि हमने उस समय उदाहरण दिया था। संसार में प्राय इस प्रकार के लोग देखे जाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो केवल और केवल भगवान की ही शरण लेते हैं, भगवान की महिमा को जान करके शरण लेते हैं, वो भगवान में भाव रख करके शरण लेते हैं, भक्ति का शरण लेते हैं। भक्ति कैसी है? बोले भक्ति में जीव का प्रयास कम होता है, भगवान की कृपा का ज्यादा अनुभूति होती है। और निराकार उपासना के अंतर्गत क्लेशो अधिकतर अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वीर अवाप्यते। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं अन्य जितने भी मार्ग हैं वो सीढ़ी चढ़ने जैसे हैं, और जो भक्ति है ये लिफ्ट जैसी है। अभी जैसे कोई व्यक्ति को सीढ़ी चढ़ करके जाना है, तो एक मंजिल सीढ़ी चढ़ना चलो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, चॉइस है हमारी, हम लिफ्ट यूज करना चाहें या सीढ़ी यूज करना चाहें। चार मंजिल यूज करना सोचना पड़ेगा, लिफ्ट से जाना है या सीढ़ी से जाना है। 50 मंजिल यूज करना हो तब क्या दिमाग में ऑप्शन आएगा सीढ़ी का? फिर भी कोई व्यक्ति सोचे नहीं नहीं मेरे को तो सीढ़ी से जाना, सीढ़ी से जाना है तो बेटा हाँफ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, गिर जाओगे चढ़ते 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 चढ़ते, मूर्छित हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। इसलिए भगवान ने पहले ही घोषणा किया ऐसे लोगों की स्थिति जो अपने प्रयास से ज्ञानवान बनने का प्रयास करते हैं, बोले इनको बहुत जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मेरे शरण, बाद में उनको भी शरण में आना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी तो सीढ़ियों की कोई गिनती नहीं है, भगवान कितनी ऊंचाई पर विराजमान है। भगवान खुद आ जाए तो बढ़िया है ना, हम भगवान की ओर चलते चले जाएं तो बोले बहुत जन्म होने के पश्चात भी आपको उस जगह पर फिर लिफ्ट दबानी पड़ेगी, उस समय भी आपको लिफ्ट में घुसना ही पड़ेगा, तो पहले से ही लिफ्ट में घुसने में क्या दिक्कत है, क्यों सीढ़ियां चढ़ना। और विशेष रूप से कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए क्या स्थिति है, जबकि भक्तों के लिए भगवान ने पहले ही घोषणा किया, आखिरी में भी भगवान ने घोषणा किया, पूर्व में भी भगवान ने गीता में घोषणा किया, सर्व धर्मान परित्यज्य, तुम सीढ़ी चढ़ना छोड़ो, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरणागत हो जाओ, बस तुम योगा लैडर के अंतर्गत ज्ञान मार्गी मत बनो, ध्यान मार्गी मत बनो, कर्म योगी मत बनो, सीधे भक्ति योगी बन जाओ, भक्ति योग में शरणागति है, मेरे शरणागत हो जाओ।
अहम त्वाम सर्व पापे प्यो, मैं पापों से नष्ट करूंगा, तुम अपनी ओर से पापों से नष्ट होने का प्रयास मत करो। उसमें इतना सहज नहीं है पापों को नष्ट करना। पापों को नष्ट करने के लिए उपाय दिए हैं, तपसा ब्रह्मचर्य शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाध्यान यमेन नियमेन च, भागवत में इस प्रकार के 9 मार्ग पापों को नष्ट करने के लिए दिए हैं। या तो हम अपने प्रयास से पापों को नष्ट करें या भगवान से नष्ट करवा लें। बेस्ट है भगवान से नष्ट करवाएं। हम अपने आप में युद्ध लड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम जानते नहीं, न जाने कितने जन्मों के पाप हमारे सर पर सवार हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से भगवान की जो प्राप्ति का रास्ता है, बोले इसमें बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म, 50 जन्म होते तो भगवान 50 जन्म जन्म नाम अंते बोलते, 100 जन्म होते तो 100 जन्म नाम अंते बोलते, लेकिन बहु शब्द लगाया, अर्थात कोई गिनती नहीं है। इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। और हम कलयुग के जीव, चलो कोई व्यक्ति सतयुग का होता, त्रेता युग का होता, द्वापर का युग का होता, तो हो सकता है सीढ़ियां चढ़ भी पाता, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते थे, स्वस्थ शरीर होता था। हम सब कलयुग के जीव कोई डायबिटीज का शिकार हो रखा है, 2 कदम चले हैं एकदम से हाँफने लग जाता है जी, हालत खराब हो जाती है डायबिटीज के पेशेंट को। किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है, किसी का वजन इतना बढ़ गया है कि वो सीढ़ी चढ़े टांगों के ऊपर अत्याचार करे, इतना वजन उठा करके चढ़ने वाली बात हो जाती है। अरे वज्रासन पे बैठना 2 मिनट के लिए कठिन हो जाता है, सीढ़ी चढ़कर के इतना वजन उठा करके चलना आसान काम नहीं। क्या किसी को अस्थमा हो रखा है, जो कदम कर 2 कदम चलते ही बेचारी की सांस फूल जाती है, क्या वो सीढ़ी चढ़ पाएगा? इसलिए हम सभी कलयुग के जीव, जिनकी मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता, अनेकों उपद्रवों से घिरे हुए हैं, अनेकों ओर से रोगों से ग्रसित हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई ना कोई रोग नहीं लगा हुआ आज के समय में? ऐसे रोगी व्यक्ति से क्या अपेक्षा कर सकते? एक मंजिल की सीढ़ी के लिए भी रैंप बनानी पड़ती है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कलयुग के जीवन की। ये भक्ति मार्ग को छोड़ करके संसार के अन्य मार्ग में बताओ भला कैसे कोई सफलता पा सकता है? कोई सफलता नहीं पा सकता। इसलिए भगवान ने कहा, क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बब्धीर अवाप्यते। एकमात्र उपाय है वह है भक्ति। 6वें श्लोक में भगवान इस बात को कह रहे हैं, तुम बाकी सब प्रयास छोड़ दो, ये तू सर्वानी कर्माणि, सारे कर्मों के इस प्रयास को छोड़ करके मई संन्यास्य, मेरे लिए संन्यास लेना सीखो, मत पराहा, मेरे परायण हो जाओ संन्यास लेने के पश्चात। और कैसा भावना लाओ, विकसित करो, अनन्य नैव योगेन, अनन्य भाव से भगवान की शरणागत हो जाओ। माम ध्यायन तो उपासते, ध्यान भी करना भगवान की उपासना ही है, मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करो। हम विषयों का ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, मन में अपेक्षाएं रहती हैं और ऊपर से नाटक भक्ति का रहता है, मन में विषय भोग संसार के निरंतर ध्यान में डूबे रहते हैं। भगवान कह रहे माम ध्यायन तो उपासते, मेरा ध्यान रखते हुए उपासना करो, मुझे लक्ष्य बनाओ, मत कर्म मत परमो, परमो मतलब मुझे ही लक्ष्य बनाओ, मुझसे बड़ा और कुछ मानो ही मत। तुम संसार में पैसे को बड़ा मान करके उपासना करते हो, वो उपासना अच्छी नहीं है। तुम संसार में प्रतिष्ठा को बड़ा मान करके उपासना करते हो, वो उपासना अच्छी नहीं है। बड़े तो केवल भगवान है और भगवान की भक्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्ति रहित गीत। बोले मुझे धन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, आपकी केवल भक्ति चाहिए। इसे कहते माम ध्यायन तो उपासते, ऐसी उपासना। भगवान ने क्या वरदान दिया इसके लिए? बोले तेषाम अहम समुद्धरता, उसके लिए मैं उद्धारक बनता हूँ। वहां से मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के संसार के सागर से, जिस सागर को कोई व्यक्ति अपने प्रयास से नहीं लांग सकता, कोई नदी नाला थोड़ी है जिसको तैर करके अपार कर लिया जाए। अरे आजकल तो कुंड भी पार नहीं होता, आदमी छलांग लगा देता है। हम एक बार यात्रा वृंदावन लेकर के गए तो एक भक्त ने उसमें छलांग लगा दिया, बड़ा अच्छा तैराक था, प्रेम सरोवर था, प्रेम सरोवर में उसने छलांग लगा दिया और दिखाने लग गया। 113-114 लोग थे, उन सबको दिखा रहा है कि देखो मैं तैर करके इस सरोवर को पार कर जाऊं। पार करने के लिए गया, थोड़ा सा ही 10 फीट के आसपास बचा था तो डूबने लग गया, हाँफने लग गया, हालत खराब हो गई उसकी।
शरीर में ताकत नहीं रही, डूबते डूबते हाथ करके खड़ा करके अभी दिखा रहा है, बचाओ मेरे को बचाओ मैं डूब रहा हूँ। लेकिन भक्त लोग तो इस साइड में खड़े, तो उसको कहाँ से बचाते। उस साइड में कुछ ब्रजवासी बच्चे थे बेचारे, उनकी नजर पड़ गई डूब रहा है। हम तो सोच रहे थे कि आराम से तैर करके पार कर जाएगा, देखो इतना स्टाइल में तैरते तैरते यहाँ से गया था। लेकिन वो डूब रहा था, ब्रजवासी बच्चों ने हाथ दे करके बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला, पानी अंदर भर गया उसका, उसको उठा करके उल्टा लटकाया, तब जा करके दुनिया भर का पानी निकला उसके मुंह से। उसको बोला गया और तैर करके पार करके दिखाओगे क्या, बोले अब कभी नहीं तैरूंगा इस प्रकार से, एक कुंड पार नहीं हो रहा है, मृत्यु के संसार का सागर भला हमसे पार हो जाएगा, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। संसार में मृत्यु सागर में हर जगह मुंह फाड़ करके हमारे लिए बैठी हुई है, हम उसे पार करने वाले हैं क्या। अरे तैरने में ही मृत्यु हो जाएगी हमारी, और ऊपर से सागर में अगर मगरमच्छ वगैरह तिमिंगी लादी हो भला उसको तैरने भी देंगे क्या, वो तो तैरने भी नहीं देंगे। वही दशा महाराज इंद्रद्युम्न के साथ हुई, जब उनको श्राप लगने के बाद हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, तिलोल करने के लिए एक छोटे से सरोवर में गए, वहां पर अपनी हथनियों के साथ विहार कर रहे। इतनी देर में मगरमच्छ ने आकर के उनका, विशाल मगरमच्छ, उसने आकर के उनको पैर पकड़ लिया। हजारों वर्ष तक युद्ध चला, हजारों वर्ष तक युद्ध चला। ये उच्च लोकों का त्रिकूट पर्वत पाया जाता है, वहां पर ये सरोवर, वहां पर हजारों वर्षों तक जीवन संभव था। वहां पर ये युद्ध चल रहा था, जहाँ देवता लोग भी इस युद्ध को देख रहे हैं, मगरमच्छ और हाथी के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन मगरमच्छ पानी के अंदर है, मृत्यु रूप है साक्षात रूप से। पानी के अंदर तो मगरमच्छ की शक्ति होती है, इतना उसको अंदर गहरे पानी में लेकर के चला गया, बड़ी मुश्किल से उसकी मात्र सूंड बची थी बस। युद्ध करते 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 हाथी पराजित हो गया एक प्रकार से, सोचा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। उस समय उसने अनन्य भाव से भगवान विष्णु की शरण ग्रहण, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण, हे हे भगवान मेरी रक्षा करो, कोई है परमेश्वर। उनको तो ये भी पता नहीं था कि परमेश्वर कौन है, खाली इतना ही बोला कोई है परमेश्वर, वहां करके मेरी रक्षा। भगवान विष्णु दौड़ पड़े, क्योंकि वचन है तेषाम अहम समुद्धरता, उस सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले थे। वैसे भयानक युद्ध चल रहा था, तो कमल कहाँ से आए वहां पर, कमलों को तो पूरन बन गया था। लेकिन फिर भी भगवत इच्छा से वहां एक कमल उसको दिखाई दिया, और सोचा इसी कमल को मैं ऑफर करता हूँ, पूर्ण में लेकर के भगवान को उसी पुष्प को ऑफर करता हुआ प्रार्थना करने लग गया। प्रभु अगर कोई परमेश्वर है जिसके भय से सारा संसार भयभीत है, जिसकी शरण में जाने मात्र से ही कोई व्यक्ति काल रूपी व्याल से बच सकता है, अन्यथा काल रूपी अजगर सर्वत्र है, कहीं भी न पानी में छोड़ता है, न आकाश में छोड़ता है, न धरती पर छोड़ता है, ये मृत्यु रूपी संसार सर्वत्र है, जो मुंह फाड़ करके चारों तरफ हर व्यक्ति के पीछे भाग रहा है। इस काल रूपी व्याल से केवल और केवल वही परमेश्वर बचा सकते हैं, कोई है तो मेरी रक्षा करे। भगवान दौड़ पड़े, ऐसे दौड़े भगवान कि भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया, गरुड़ से भी तेज भगवान कूद पड़े। गरुड़ कह रहा है प्रभु मेरे को थोड़ा तो धीरे करो, मेरे को भी आने दो। कई बार हमको लगता है कि गरुड़ को भगवान को जरूरत पड़ती होगी, गरुड़ की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती, गरुड़ जी से तो भगवान सेवा लेकर के गरुड़ को कृतार्थ करते हैं। ना भगवान को जरूरत पड़ती है, ना भगवान के भक्तों को जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त हम जैसे संसारी लोगों को सेवा देकर के कृतार्थ करते। द्रौपदी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, द्रौपदी जी को किसी की जरूरत पड़ी थी क्या, किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी, द्रौपदी जी अकेले चले गए थे। और द्रौपदी जी का संघर्ष देखो कितना गहरा संघर्ष था, द्रौपदी जी ब्रज में अकेले रहते थे बेचारे, और दिल्ली में अकेले लेखन करना, अकेले प्रूफ रीडिंग करना, अकेले छपाई करना, इतनी कड़कड़ाती धूप के एक बार शिकार हो गए और मूर्छित होकर के बेहोश हो गए। लेकिन भगवान ने रक्षा किया, किसने रक्षा किया, कौन था प्रभुपाद जी का, घर बार सब छोड़ दिया था, पैसा धेला कुछ था नहीं, अकेले ही संघर्ष कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने रक्षा की, भगवान ने रक्षा की। एक बार तो प्रभुपाद जी वृंदावन में
घूम रहे और वृंदावन में पीछे से गाय ने आकर के सींगों पर उछाल दिया सीधा, और उछाल करके नीचे पटक दिया। प्रभुपा जी वृद्धावस्था में तो आए ही थे, 70 साल के आसपास की अवस्था थी। उछाल दिया, नीचे फेंक दिया, उस अवस्था में बेचारे बेहोश हो गए। किसने रक्षा किया? ये सर्वत्र मृत्यु संसार है। ऐसा कुछ समय पहले एक बाबा जी ने ही एक बालक को उठा करके परिक्रमा में, और जैसे ही पता नहीं क्या नंगा बाबा था वो, पता नहीं कैसा पागल दिमाग था उसका, एक लड़का परिक्रमा लगाते हुए छोटा सा बालक आ रहा था, उस बालक को पकड़ करके उसने उछाल करके एक बार सीधा जमीन पे मारा, जैसे कंस ने उठा करके मारा था, बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए उस बालक के, मर गया वो। रूपा जी को जब गाय ने उछाल करके मारा, क्या बचा? किसने रक्षा किया? स्वयं भगवान ने रक्षा किया। अकेले चले गए, अकेले चले गए, रास्ते में दो दो हार्ट अटैक आए, किसने रक्षा किया? भगवान का वचन है, अनन्य नहीं वियोगे न माम ध्यायन तो पास्ते, जो अनन्य भाव से उपासना करता है भगवान सदा रक्षा करते हैं। भगवान ने रक्षा किया, दो हार्ट अटैक से रक्षा किया। वहां चले गए, 1 साल तक बेचारे संघर्ष करते रहे, पूरे वर्ष तक उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। हर महीने आकर के बंदरगाह पर आकर के पूछते थे, ये जलदूत वापस कब जाएगा? पहुंच जाते थे वहां, वहां पहुंच करके सोचते थे, एक बार और प्रयास करता हूँ, शायद कोई व्यक्ति बदल जाए, शायद कोई व्यक्ति इस भक्ति को अंगीकार कर ले। फिर वापस लौट जाते थे, फिर दूसरी बार जाते थे, देखते थे सफलता मिली नहीं, दूसरी बार जाते जाकर के पूछते, जलदूत कब वापस जाने वाला है? वहां का जो इंचार्ज था, मैनेजर था, वो प्रभुपा जी से पूछता है, स्वामी जी आप हर बार आते हैं, आप वापस जाते तो है नहीं, पूछने चले आते हैं आप कि वापस कब जा रहा है, वापस कब जा रहा है? प्रभुपा जी बोले, हाँ मेरी जाने की इच्छा तो होती है, यहाँ कोई सफलता तो मिल नहीं रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद इस बार कुछ सफलता मिल जाए। देखो ऐसा भी नहीं है कि हमें तुरंत ही सफलता मिल जाए, भगवान परीक्षा भी लेते। लेकिन प्रभुपा जी को अंततः 1 वर्ष तक बार बार प्रयास करने के पश्चात द्रौपदी जी को भगवान ने कितनी बड़ी सफलता दी। भगवान ने सदा रक्षा करते हुए सफलता दी है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, तेषाम अहम सोद्धर्ता, उसी तरह से गजेंद्र की रक्षा किया भगवान ने। भगवान ने गरुड़ जी को छोड़ दिया, गरुड़ जी से भी आगे है भगवान, गरुड़ जी से भी तेज है भगवान, अर्थात लिफ्ट के रूप में भगवान ने गरुड़ जी को एक प्रकार से दिखाया, लेकिन भगवान ने उस लिफ्ट को भी छोड़ दिया, खुद ही आ गए आकर के, तुरंत उस बेचारे मगरमच्छ का गर्दन काट दिया। वो मगरमच्छ भी शाप से युक्त था, वो भी एक देवता था। भगवान ने क्या किया? दोनों का ही उद्धार कर दिया। भगवान के सब कार्यों में उद्धार ही रहता है, इसलिए भगवान ने घोषणा किया, तेषाम अहम समुद्धर्ता, मृत्यु संसार सागरात, जो कि संभव नहीं था, भवामी न चिरात पार्थ, जो कि इतना जल्दी नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान ने उसको जल्दी पहुंचा। चिरात मतलब लंबा समय लगता है जिस कार्य, न चिरात मतलब बहुत जल्दी, भगवान ने न चिरात इसके लिए करके दिया भगवान ने। मई आवेश चेतनाम, जिनका चित्त मेरे में लगा रहता है। अरे संसार में भक्तों की तो चलाई गया, भक्तों को कोई रिलेटिव भी होते ना, भगवान उनका भी घात कर दो। मायापुर में एक बहू रहती थी, उसके ससुर प्राण छोड़ने लगे। अब ससुर कोई भक्त नहीं था, लेकिन वो नरसिंह भगवान की उसकी जो बहू थी, भक्त थी, नरसिंह भगवान साक्षात रूप से उस ससुर को दर्शन दे रहे हैं, और वो थोड़ा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद कहता है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका गर्दन शेर के जैसा है और नीचे मनुष्य के जैसा था, बोले मेरे को उसने रक्षा किया। वो बहू बड़ी प्रसन्न हो गई, देखो भगवान नरसिंह की उपासना करती, ससुर जी कोई भक्त भक्त नहीं है दूर दूर तक, लेकिन ससुर जी की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव पहुंचे। मृत्यु कितनी भयावह होती है, लेकिन मृत्यु के समय में उस बहू ने देखा कि अंतिम समय में उनके मुखारविंद पर स्माइल थी, वो प्रसन्न होकर के शरीर त्याग करके गए, अन्यथा मृत्यु के समय में 40,000 बिच्छू एक साथ काटते, इतना भयानक कष्ट होता है।
केवल मृत्यु संसार सागरा शब्द सुनने में अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, लेकिन इस सागर में जब डूब जाता है ना आदमी, जब गुजरना पड़ता है ना, तब दुसा दुखोई जन्मो तुम्हारे दुसा दुखोई, जन्म लेने में भी सहन करने से परे जाकर के दुखोई। एक बिच्छू का कष्ट सहन नहीं होता, व्यक्ति चिल्ला रहा है 40,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे तब कैसा दुखोगे। उस मृत्यु, उस भयानक मृत्यु सागर से हम सबने उस मृत्यु की ओर जाना है, कोई व्यक्ति उठने वाला नहीं। अगर भगवान की शरण ली होगी तो भगवान इस भक्ति की वजह से मृत्यु रूपी सागर से, लेकिन भगवान की शरण ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान की शरणागति में करना होता है, थोड़ा सा ही करना होता है। क्या करना होता है? प्रभुपाद जी कहते जस्ट हियर, जस्ट हियर। प्रभुपाद जी ने बहुत बल दिया है, जस्ट हियर अबाउट। भगवान कह रहे हैं बस मेरे बारे में सुनो एंड चांट हरे कृष्ण, फिर भगवान के नाम का मंत्र करो। तो ये दो काम मात्र करने होते हैं, लेकिन हमारी मंद अवस्था इतनी गहरी है कलयुग के जीव होने के कारण हमसे न कथाएं सुनी जाती हैं और हमसे न जप किया जाता है। केवल दो ही काम अगर हम कर लेना, बोले इतने से ही भक्ति हो जाती है। प्रभुपाद जी क्या करते थे? रूपा जी ने यही दो कार्य तो किए, स्वयं कथाएं श्रवण करते थे। रूपा जी की कथा श्रवण की बड़ी सुंदर घटना है। भक्ति सिद्धांत महाराज वृंदावन में यात्रा लेकर के आए थे, जो रूपा जी के गुरु जी थे। तो जब यात्रा लेकर के आए, भक्ति सिद्धांत महाराज बड़ी बड़ी लंबी लंबी कथाएं करते थे, घंटे घंटे तक कथाएं करते थे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय प्रभुपा जी भी आए थे अपना बिजनेस से थोड़ा अवकाश लेकर के। प्रभुपा जी भी उस यात्रा में थे। तो जो इंचार्ज होता है यात्रा के लिए, उन सब जगह पर दर्शन कराता, शिविर कराता है, और जो गुरुजन होते हैं वो कथा करते हैं। तो कथा सुनते सुनते जो इंचार्ज था यात्रा का, वो खड़ा हो गया और कहने लगा, देख लो जिस जिसको कथा सुननी हो कथा सुने, और जिस जिसको शेष शाही भगवान के जो क्षीर सागर में शेष रूप के रूप में, शेष भगवान के ऊपर जो भगवान विष्णु है जो शयन कर रहे हैं, उनका जो दर्शन करना चाहता है मेरे साथ, वो लीला स्थली है, बोले उसमें दर्शन करना जो चाहता है वो दर्शन करने चल पड़े। सबके सब दर्शन करने के लिए उठते ही भागने लग गए, क्योंकि कथा कौन सुनना चाहता है? हर व्यक्ति सोचता है मैं भाई दर्शन न छूट जाए। सब भागे दर्शन करने के लिए, एक अकेले प्रभुपा जी बैठे रहे कथा सुनने के लिए। 4-5 घंटे तक भक्ति सिद्धांत महाराज कथा सुनाते रहे और प्रभुपा जी कथा सुनते रहे। रूपा जी कितने प्रेमी थे कथा सुनने के प्रति। दीक्षा का जब समय आया तो रूपा जी को भक्त लोग रिकमेंड करने लगे, भक्ति सिद्धांत महाराज को कहने लगे, भक्ति सिद्धांत महाराज ये बड़े अच्छे डोनर हैं, बड़ा अच्छा सहयोग करते हैं, बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका औषधि का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो रूपा जी के देख करके बोले हाँ मैं जानता हूँ इनको, बोले बहुत अच्छी कथा सुनते हैं। उन्होंने ये भाव नहीं दिया कि बहुत बड़े डोनर हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रभुपा जी को भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसी रूप में देखा, हाँ मैं जानता हूँ मैं इनको जरूर दीक्षा दूंगा, क्योंकि कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत विशेष कथा के प्रति इनकी रुचि है। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ भक्ति के अंदर कथाएं सुननी चाहिए। इंद्रदुन महाराज ने क्या किया था? इंद्रदुन महाराज ने भगवान के बारे में कथा ही तो सुनी थी, उन्होंने स्तुति का वो अभ्यास ही तो किया था, जो हाथी के शरीर में भी वो अभ्यास बना रहा। बोले भक्त को हाथी का शरीर क्यों लेना पड़ा? बोले भक्ति मार्ग में भगवान ने पहले मृत्यु से क्यों नहीं रक्षा की थी, जब वो मनुष्य शरीर से प्राण छोड़ करके हाथी बन गए? बोले हाथी इसलिए बनना पड़ा क्योंकि उनका भक्त बन गया। जब भगवान भक्तों के प्रति अपराध करते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं, तब फिर भगवान सहायता नहीं करते। जब कोई व्यक्ति भक्तों के प्रति अपराध नहीं करता है तो भगवान सदा सहायता करते हैं। भगवान ने तो अर्जुन के माध्यम से घोषणा कराया है, नमे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तुम जाकर के घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, अर्जुन से भगवान ने घोषणा कर। इसलिए भक्ति में क्या है, बड़ी सरल भक्ति है। लिफ्ट में बोले बटन तो दबाना पड़ेगा भाई, इतना तो काम कर लो कम से कम, कहाँ जाना चाहते हो, इतना तो सेंस होना चाहिए। बटन दबा रहे हो स्वर्ग लोक की और सोच रहे हो कि भगवत धाम पहुंच जाए, कैसे पहुंचोगे? इस जवान से भगवान को याद रखो, इस जवान से भगवान के धाम को याद रखो, सिर्फ इतना तो बोल दो कम से कम।
इस जवान से तुम्हारे पानी टपकता रहता है स्वर्ग को लेकर के, अप्सराओं को लेकर के, विषय भोगों को लेकर के। ये भक्ति की लिफ्ट आपको भगवान राम कैसे लेकर के आई? इस भक्ति में तो केवल और केवल भगवान के राम की कथाएं सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो और भगवान के नाम का आश्रय मात्र लो। ऐसा करने मात्र से भगवान स्वयं आएंगे और उद्धार करके ले जाएंगे। इसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं, अपने मन में अन्य चीजों को मत घुसने दो। मई ये मन आलस्व मई बुद्धि निवेश निवशिष्यसि मई ये। अरे उसको कहीं अन्यत्र जाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान के अंतर्गत तो सदा ही निवास करता है। अतः ऊर्ध्वम न संशय मैं कोई संदेह नहीं। अथ चित्तम, लेकिन भगवान अभी यहाँ से आठवें अध्याय आठवें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक वही योगा लेडर बता रहे हैं जो हमने तीसरे अध्याय में सीखा था। तीसरे अध्याय में हम उल्टे गए थे, संसार की दृष्टि से गए थे कि कोई व्यक्ति विकर्मी है, बोले विकर्मी से श्रेष्ठ, विकर्मी से श्रेष्ठ कौन है? विकर्मी से श्रेष्ठ कौन है काजल माता जी? हमने तीसरे अध्याय में योगा लेकर सीखा था, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं उस टाइम नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने कहीं से पढ़ा था तो याद है। सकाम कर्म, कर्म कांड, निष्काम कर्म, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। विकर्मी से श्रेष्ठ है, बोले विकर्मी से श्रेष्ठ है कर्मकांडी, सकाम कर्म नहीं, विकर्मी से श्रेष्ठ है कर्मकांडी, और उस कर्मकांडी से श्रेष्ठ है कर्मयोगी। अच्छा, कर्मयोगी में कौन से आते हैं? बोले सकाम कर्मयोगी और निष्काम कर्मयोगी, हमने सीखा था उसको। और निष्काम कर्म योगी से श्रेष्ठ है ज्ञान योगी, तो उस ज्ञान योगी से श्रेष्ठ है ध्यान योगी, और ध्यान योगी से श्रेष्ठ होता है भक्ति योगी। ये हमने योगा लेडर वहां देखा था। अभी यहाँ भगवान उसी योगा लेडर को बता रहे हैं, बोले अगर कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति का स्तर नहीं अपना सकता तो कम से कम उस योगा लेडर में कहीं तो आए। इसलिए भगवान कह रहे मई ये आइडियल स्टैंडर्ड तो भक्ति का है कि तुम लिफ्ट में सीधे घुस जाओ। उस कर्म योग के अंतर्गत जो योगा लैडर बताया था उसमें घुसने का प्रयास मत करो। उसको ऐसा मत समझो कि भक्ति योग तो बहुत ऊंचाई पर जाकर के हमें वहां जाकर के चढ़ना पड़ेगा। भगवान ने यहाँ भक्ति योग अध्याय के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन ये दिया कि तुम यहीं से सीधे चढ़ जाओ। अगर यहाँ से चढ़ जाते हो तो दी बेस्ट है, इस स्तर पर आ जाते हो तो बहुत अच्छा है। जिसमें भगवान घोषणा कर रहे हैं मई ये मन आदस्व मई बुद्धि निवेशिष्यसि मई ये अत ऊर्ध्वम न संशय। केवल और केवल मन लगाना है और केवल बुद्धि लगानी है, और कुछ नहीं करना है। बोले इसके लिए क्या करना है? बोले बहुत परिश्रम करना है। बोले नहीं, कथा सुनना है, जस्ट हियर। प्रहलाद महाराज ने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। बोले लिफ्ट कहाँ है? मन लगाना तो बहुत ऊंची बात है, सर्वश्रेष्ठ बात। अरे बाबा, ये तो चढ़ाई चढ़ने वाला काम नहीं है, वास्तव में लिफ्ट है। हमारे लिए मन लगाना कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि हम कृष्ण कथा न सुनकर के चित्रहार सुनते हैं, हम कृष्ण कथा न सुनकर के मूवीज देखते हैं, हम वेब सीरीज देखते रहते हैं, हम रील्स देखते रहते हैं। कोई फेसबुक के माध्यम से देखता है तो कोई अन्य सोर्सेस के माध्यम से देखता है। भक्ति विकास महाराज कहते हैं फेसबुक नहीं है, ये डेथ बुक है जो हमें मृत्यु के आगोश में लेकर के जाने वाली है, हमें होश नहीं। ऐसी स्थिति में मन लगाना तो भैया कठिन हो ही जाएगा। इसलिए मन लगाना कठिन नहीं होता उस व्यक्ति के लिए जो जस्ट हियर श्रवणम कीर्तनम। दूसरा स्टेप है कीर्तनम, जिसमें वो मात्र जप करता है। अब बताओ, इसमें ना आपको कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि भाई आपको सॉफ्टवेयर में काम करना है तो आपको सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको ऑटो कैड लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। आपको हिंदी आती है तो
उसमें भी आप महामंत्र आसानी से बोल सकते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंग्रेजी आती है तो उसमें भी यही लैंग्वेज है। एक अंग्रेज जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानता वो भी अंग्रेजी में भी इस मंत्र को आसानी से बोल सकता है, उसमें भी वही भाषा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, कोई भी लैंग्वेज है, तमिल है, हर लैंग्वेज में महामंत्र इसी रीति से बोला जाता है। बस भगवान की कथाएं सुनो और भगवान का नाम का विसरे, बोलो ये लिफ्ट से बढ़कर नहीं है क्या? यहाँ तो लिफ्ट लगाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ भक्तों के पास चले जाओ आपको फोकट में कथाएं सुनने को मिल जाएंगी, आपको वो अपनी ओर से माला भी दे देंगे, वो भी गिफ्ट में मिल जाएगी। आप सिर्फ माला को घुमा लो, अब इतना भी नहीं हो सकता। बोले कठिनाई भक्ति में नहीं है, कठिनाई तो हमारी आदतों में है, जो हमने गंदी आदतें बचपन से पाल ली है। वही अच्छी आदत गर्भावस्था से प्रहलाद जी ने पाल ली थी, कि गर्भावस्था में ही उन्होंने नारद जी से मात्र सुनाई तो था, उसमें व्यक्ति बालक क्या कर सकता है, बालक अंदर वही चीजें रियलाइज करता है जो माँ जिन जिन परिस्थितियों के संपर्क में आती है। प्रहलाद महाराज को क्या परिश्रम करना पड़ा था, कुछ भी नहीं, अंदर ही अंदर उन्होंने मात्र सुना, सुनते ही ऐसा प्रेम जागृत हो गया। अब बताओ भगवान रक्षा करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? उनका पिता तो साक्षात मृत्यु, पिता ही नहीं पूरा खानदान ही साक्षात मृत्यु, सारी सृष्टि उनके लिए मृत्यु के रूप में व्यवहार कर रही थी, लेकिन 5 साल के बच्चे को भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु संसार सागर भगवान ने अहम समुद्र का मैंने उद्धार किया, भगवान ने सदा रक्षा की। क्या करना पड़ा था उनको, सिर्फ सुना, बचपन से ही सुन लिया तो दूसरी चीज होती ही नहीं अपने आप। हमारे साथ कठिनाई क्या हो जाती है, हमारे साथ समस्या क्या हो जाती है, हम लोग शुरुआत में ही गंदी आदतें डाल लेते हैं, शुरुआत में ही गंदगी सुन लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी आकर के लोग कंबल तान तान करके अंदर फालतू की चीजें सुनते हैं, कंबल ओढ़ करके मूवीज देखेंगे, कंबल ओढ़ करके गाने सुनेंगे। आजकल तो ईयरफोन का सिस्टम ऐसा आ गया है, कान में ईयरफोन लगाते रहते हैं और ऊपर से दिखाते हैं हम साधु हैं, लेकिन गंदगी सुनते रहते हैं। और आजकल तो ईयरफोन का वायर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्लूटूथ आ गया, सिर्फ कान में घुसा लो बस, पता ही नहीं चलता सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो अपनी दुनिया में डूबा रहता है, तो सोच रहा है भगवान मेरा उद्धार करेंगे, भैया भगवान कैसे उद्धार करेंगे तुम्हारा, नहीं। और ये वेग इतना खतरनाक है ना, ये वेग एक बार लग जाता है ना, फिर तो ऐसी कुलकुलाहट होती है कि जब तक हम मोबाइल में वो सब चीजें देख नहीं लेते ना, हमारा कठिन हो जाता है जीवन शैली जीना। मेरी बहन मेरे को कहती है, बोले ऐसी स्थिति हो जाती है मोबाइल के बिना, बोले एक दिन मोबाइल हाथ से चला गया, बोले उस दिन टॉयलेट भी नहीं होती, बोले इतना शरीर एडिक्टेड हो जाता है कि शरीर का सिस्टम ही बिगड़ जाता है। कैन यू इमेजिन कितना हम संसार में घुस चुके हैं, इसके बिना ना नींद आती है, ना जाग पाता है, ना टॉयलेट होता है, ना खाना होता है, ना पीना होता है, व्यक्ति से कुछ नहीं होता, इतना खतरनाक है। इसको हमें डबटेल करना पड़ेगा, इसको हमें भगवान की शरण में ले जाना पड़ेगा। आदतें हम नहीं चेंज कर सकते, निराकार में और साकार उपासना में यही सबसे बड़ा वरदान है। निराकार उपासना के अंतर्गत आपको ये सारी भयानक इंद्रियों का जो इतना वेग है, इसको नियंत्रित करना पड़ेगा। भला कौन नियंत्रित कर पाएगा, किसी माई के लाल में है इतनी ताकत जो नियंत्रित कर पाए? अरे उस समय विश्वामित्र मुनि के समय में जहां ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, जहां इंद्रियों के हम इतने बड़े दास नहीं बने थे, तब विश्वामित्र मुनि के लिए संयमित करना अपने आप को कठिन हो गया, और रंभा के द्वारा मेनका के द्वारा पतन को प्राप्त हो गया बार बार संयम करने के पश्चात। इसलिए निराकारिता के अंतर्गत तो संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबोधय, सारी इंद्रियों के ग्राम को संनियमित करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या है, आप एंगेज कर दो बस, इन इंद्रियों को इधर से हटा करके दूसरी जगह लगा दो, ये भक्ति की विशेषता है। इसलिए ये लिफ्ट से ही बढ़कर है। इसमें क्या करना है, मोबाइल की उस गंदगी से हटा करके भक्तों के सानिध्य में कीर्तन सुनो ना, क्या जाता है
कथा सुनो ना, क्या जाता है, भागवत पढ़ो। भागवत में भगवान ने कितने भक्तों का उद्धार किया मृत्यु संसार के सागर से, दुनिया अजामिल का उद्धार किया, कितना सुंदर चरित्र है। आप पढ़ोगे और इसमें इतनी नवीनता है, हर कथा आप जब भी कोई ओकेजन आता है, राम जन्म उत्सव आता है उस समय राम कथा सुनते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आती है उसमें कृष्ण कथा सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 25 तारीख को होने वाला है उस समय महाप्रभु की लीला सुनेंगे, हर बार सेम लीला सुनेंगे लेकिन हर बार एक नया आनंद आता है। क्या दुनिया में ऐसा मूवीज को लेकर के देखा जा सकता है? क्या मूवीज को कोई व्यक्ति हर साल देख सकता है? कभी नहीं देख सकता भाई। आज के दिन ये मूवी रिलीज हुई थी इसलिए आज के दिन ये साल पूरी हो गई, अब ये मूवी को हम देखेंगे नहीं। लोग मैरिज एनिवर्सरी भी बड़ी दुखी होकर के मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मना तो लेते, आज के दिन हमारी शादी हुई थी इस बात को लेकर के गर्व करते हैं, अभी तक झेलते आ रहे हैं, बोले अभी तक टूटा नहीं है इसलिए मजबूरी में मना लेते, जैसे पत्नी कम से कम ऐसा तो मानेगी कि मेरे को पागल के खुश तो है आज भी, पति सोचता है कि मेरे को ये मना रही है इसका मतलब मेरे को पागल के आज भी ये खुश है, बाकी अंदर से सब जानते हैं न पति खुश रहता है न पत्नी खुश रहती है। संसार की कोई ऐसा क्रिया नहीं है जो हमें हर साल इस प्रकार का नया आनंद दे, ये नया आनंद अगर हम कथा को सुनने में लगा देते हैं इन कानों को, तो नया नया आनंद प्राप्त होता है। यही गीता कोर्स अभी देख रहे हैं, कई बार आप देखते हैं रोज ही हम इन श्लोकों को कई बार रिपीट कर देते हैं, आगे के श्लोक में बढ़ ही नहीं पाते, किसी किसी दिन उन्हीं श्लोकों को थोड़े से उन्हीं कथाओं के साथ मिलती जुलती कथाओं के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छा ही लगता है। पता नहीं आपको अच्छा लगता होगा कि नहीं, अच्छा लगता होगा, मेरे को तो वास्तव में किसी श्लोक से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, एक एक श्लोक में इतना अच्छा लगता है कि ये कितना बढ़िया बात है, इसमें कितनी अच्छी बात निकाल निकाल करके भगवान दे रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो और दिव्यता का अनुभव आएगा, आचार्यों के तात्पर्यों को पढ़ेंगे तो और दिव्यता का अनुभव आएगा। यहाँ क्या करना है, कानों को नियंत्रित नहीं करना है, आंखों को नियंत्रित नहीं करना है, आंखों को देखने की इच्छा है देखेगी आंख कुछ ना कुछ, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो ना, भगवान के दर्शन करो, अभ्यास तो करो। जीव को कुछ खाने की इच्छा है, आप इसे कब तक नियंत्रित करके निराकार उपासना में लगाओगे? बढ़िया रसगुल्ला बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, भोग लगा करके महाप्रसाद खाओ, दूसरों को खिलाओ, इतना अच्छा हो जाएगा। तो आसान है हमारे लिए, कठिन नहीं है, इसलिए कोई सोचे भगवान ने तो ये नीचे की ओर जो रास्ता बता रहे हैं ये कठिन रास्ता नीचे की ओर है, ऊपर कठिन, यहाँ योगा लेडर को भगवान ने उल्टा करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अर्थात तीसरे अध्याय में तो एक अलग एंगल से एक्सप्लेन किया था जिसमें विकर्मी से कर्मकांडी, कर्मकांडी जो शास्त्र के आधार पर काम करता है लेकिन भगवान के साथ अभी जुड़ा नहीं है, भोगों के लिए कार्य कर रहा है लेकिन शास्त्र के निर्देशन में कार्य कर, उससे श्रेष्ठ कर्म योगी जो योग से जुड़ा अभी, अर्थात अपना काम कर रहा है लेकिन भगवान की सेवा भी चालू किया उसने, उसे कर्म योगी कहते हैं। भोग की भी इच्छा है लेकिन साथ में भगवान के बारे में थोड़ा पता चला है तो थोड़ा भगवान के लिए भी सेवा कर रहा है, उसे कर्म योगी कहते हैं। कर्म योगी दो प्रकार का होता है, सकाम कर्म योगी होता है, निष्काम कर्म योगी होता है। सकाम कर्म योगी कैसा होता है, फल से भी इच्छा रखता है, फल से भी अटैच रहता है और जो धंधा करता है उस धंधे से भी अटैच रहता है, भक्ति की क्रिया नहीं करेगा। निष्काम कर्म योगी भक्ति योगी क्यों नहीं माना जाता, जबकि वो अपने सारा फल तो भगवान के चरणों में सौंप देता है, वो इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो स्पेसिफिक संसारी कर्म के प्रति अटैच रहता है। हो सकता है कर्म फल के प्रति वो अटैच ना हो लेकिन कर्म के प्रति तो अटैच होगा ही, इसलिए उसे निष्काम कर्म योगी कहा जाता है, उसे भक्ति योगी नहीं कहा जाता। उससे श्रेष्ठ है ज्ञान योगी जो ज्ञान का अनुशीलन करता है, जिज्ञासा करता है संसार को छोड़ करके, संसार में परिश्रम करता है शास्त्रों का अध्ययन करने में, अलग अलग ज्ञानियों के अंतर्गत रहते हुए वो तो ज्ञान योगी कहा जाता है। उसमें भी व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है लेकिन भक्ति नहीं बन पाता। ध्यान योगी उससे श्रेष्ठ है जहाँ भगवान विष्णु का वो ध्यान करने लग जाता है, भगवान को सभी कारणों का कारण मानता है लेकिन अभी तक सेवा के स्तर पर नहीं उठ पाता, इसलिए उसको भक्ति योगी नहीं कहा जाता, उसको ध्यान योगी कहा जाता है। उससे श्रेष्ठ है भक्ति योगी जो भगवान की महिमा को सुनकर के भगवान के साथ आदान प्रदान करने लगता है, भगवान में बुद्धि लगाता है, भगवान में मन को लगाता है,
उसको भक्ति योगी कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। वहां से देखने में ऐसा लग रहा है कि भक्ति बहुत दुर्लभ है, भक्ति दुर्लभ नहीं है। भगवान ने यहाँ का मन को लगा दो और बुद्धि को लगा दो। बुद्धि को कैसे लगाए, बुद्धि से भगवान की पूजा कैसे हो सकती है, बोले गीता पढ़ना। भगवान ने कहा ये बुद्धि से पूजा है, गीता जैसे अभी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या है, बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। बड़ा सरल है, केवल दो ही चीजें, मैं ये मन आदस्व, मैं बुद्धि निवेश, बाकी सब अपने आप लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, जस्ट हियर, जस्ट हियर, जस्ट हियर, जस्ट शब्द लगाया है, जस्ट में मतलब कुछ करना ही नहीं है, जस्ट हियर एंड चांट हरे कृष्ण एंड डांस इन एस्टेसी। प्रभुपा जी यही कहते थे, एंड VIP, हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाओगे। हमारा अभ्यास उल्टा है इसलिए हमसे कठिन हो जाता है। निव शिष्यसि मय्येव, मेरी गोद में तुम बैठे रहोगे सदा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रहलाद जी बालक थे, वो कर पाए, बालक होते हुए भी कर पाए, मतलब सबसे आसान काम है तभी तो कर पा रहे। भक्ति मार्ग ऐसा है, बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, निरोगी भी कर सकता है, रोगी भी कर सकता है। कौन ऐसा है जो नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कर सकता है। इसलिए एक ऐसा मार्ग है, बोले ये बहुत सरल मार्ग है, बाकी मार्ग इतने सरल, इतने सहज, इतने सर्वोत्तम और फल में सर्वश्रेष्ठ फल साक्षात भगवान को देने वाले, इतने दूसरे रास्ते नहीं। लेकिन हम नहीं कर पाते इसको, तो भगवान दूसरा उपाय बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम। अगर तुम तुम्हारे चित्त को स्थिर नहीं कर सकते, न सपनों सी मई स्थिरम, मेरे में स्थिर नहीं कर पाते, अभ्यास योगे न ततो, अभ्यास में लग जाओ। अभ्यास मतलब विधि विधान का पालन करो। अभ्यास मतलब जैसे पढ़ाई का अभ्यास करना पड़ता है अंदर से इच्छा नहीं। 8वें श्लोक के स्तर पर तो हम स्वयं करते सिद्ध हो जाते इस कार्यों को लेकर के, भक्ति के कार्यों को लेकर के। अब वही भक्ति के कार्य, हमें मन तो स्थिर है नहीं, अथ चित्तम समाधातुम, स्थिर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बोले जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। स्थिर होता तो लगाना थोड़ी पड़ता, फिर तो लगा हुआ है, स्थिर नहीं है अब लगाना पड़ेगा। लगाएंगे कैसे, अभ्यास से लगाएंगे, जबरदस्ती करो, जबरदस्ती मंगल आरती करो, जबरदस्ती भागवत सुनो, जबरदस्ती भगवत गीता सुनो, जबरदस्ती गीता पढ़ो, जबरदस्ती तुलसी सेवा करो, जबरदस्ती ये सब कुछ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, माम इच्छा तुम धनंजय, इससे तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी, इच्छा जागृत हो जाएगी तो लगने लगेगा। जैसे जैसे इच्छा कहाँ जागृत होती, मन में ही तो जागृत होती। अब मन जिस चीज के लिए इच्छा करता है, वो इच्छा हो जाए तो फिर मन उस वस्तु पर लगेगा, अपने आप लगेगा। अभी नहीं लग रहा है, अभी इच्छा जागृत नहीं हुई। इच्छा जागृत क्यों नहीं, अभ्यास उतना अच्छा नहीं हुआ। अभ्यास जैसे जैसे होने लगेगा, वैसे वैसे इच्छा जागृत होने लगेगी, और इच्छा जागृत होते मन लगने लगेगा, फिर अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा, फिर रुचि आ जाएगी, कितना बढ़िया हो जाएगा, सहज है। तो हमारा अभ्यास हमें नहीं चूकना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, अगर भैया तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते, अभ्यास से अपि असमर्थो असि, मत कर्म परमो भव, मत अर्थम अपि कर्माणि, तुम मेरे लिए कार्य करने की चेष्टा करो। अगर भक्ति के सीधे सीधे अभ्यास को नहीं कर पा रहे हो, नाम जप नहीं कर पा रहे हो, गीता का आश्रय नहीं ले पा रहे हो, भागवत कथा नहीं सुन पा रहे हो, कोई नहीं है, मेरे लिए कमा करके मंदिर में दान दे दो, कमाई का थोड़ा हिस्सा भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान कह रहे हैं अगर तुम ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं, अपने फल का त्याग करना सीखो। भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हो, संसार की सेवा में लग जाओ भाई, गायों की सेवा करने लग जाओ, कोई बात नहीं। अरे गायों की नहीं कर सकते, कुत्तों की सेवा कर दो जाकर के, समाज में जो कुत्ते भटकते रहते हैं बेचारे, उनको ही जा जा करके रोटला बना दो। गुजराती लोग बहुत सारे कुत्तों के लिए बाजरी का रोटला बनाते हैं और जा जा करके कुत्तों को खिलाते हैं। कम से कम अपना पैसा अपने भोगों के लिए तो नहीं रखते, उससे भोग वृत्ति तो नहीं बढ़ेगी, ये कितना खतरनाक है भोग वृत्ति को बढ़ाना। हम सब पैसा इकट्ठा करके अपने भोगों के लिए सोचते हैं और बहुत होशियार समझते हैं, हम बड़े होशियार हैं, देखो हमने भोग के लिए पैसा बचा लिया, कहीं पैसे को खर्च नहीं होने दिया। अरे खर्च नहीं होने दिया नहीं, तुमने भोग किया एक तो वो सबसे बड़ा दुख का बीज बो दिया, ऊपर से इस भोग के जो संस्कार पड़ गए ना, वो संस्कार अब तुम्हें अभ्यास करने से रोकेंगे, कितनी बड़ी बाधा बन जाएंगे। इसलिए जो भोगों के संस्कार हैं वो ज्यादा बड़ी समस्या है, वो तो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर जन्म में तुम्हें संस्कार भोगों की ओर ही ले लेकर के खींच खींच करके लेके जाएंगे, ये कितना खतरनाक हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं
भगवान को कोई जरूरत थोड़ी है। कोई व्यक्ति सोचे कि हाँ भगवान अपनी सेवा के लिए बस घुमा फिरा करके हमें कुछ जीने ही नहीं देंगे। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में तुम मरने जा रहे हो भोगों के माध्यम से। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपर्त चेतसाम व्यवसाय तुमका हाँ बुद्धि समाधान विधीयते। तुम्हें समाधि की अवस्था कभी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि तुम भगवान की भक्ति में स्थिरता से कभी लग ही नहीं पाए। और लग क्यों नहीं पाए? क्योंकि तुम्हारा चित्त हरण कर लिया। किसने हरण कर लिया? ऐश्वर्य ने हरण कर लिया। ऐश्वर्य ने क्यों हरण कर लिया? क्योंकि ऐश्वर्य के पीछे भोग वृत्ति थी। आप उस ऐश्वर्य को छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमने सोचा ऐश्वर्य चला जाए हाथ में से तो फिर भोग कैसे भोगेंगे, एंजॉय कैसे करेंगे। ये एंजॉयिंग मेंटेलिटी सबका बेड़ा गर्क करने वाली है। इसलिए भगवान ने यह घोषणा किया अपने पास कुछ मत रखो। सर्व कर्म फल त्यागम, ऐसा नहीं कि 50% फल त्यागम। भगवान कह रहे सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्मों से तुम्हें जो भी फल मिलता है उसको लगा दो दूसरों की सेवा में, लगा दो दूसरों को बांटना सीखो। अरे एक वृक्ष भी इस बात को सिखाता है, वृक्ष ने भी सिखाया कुचलने वाले को खुशबू ही देना ये फूल से सीखो। फूल ने सिखाया वो कुचल दिया लेकिन फिर भी वो खुशबू ही दे करके गया, दूसरों को बांट दिया उसने खुशबू। इस प्रकार से हमें सृष्टि भी सिखाती है कि हमें दूसरों को चीजों को देनी चाहिए। देखो नदी कितने पानी से युक्त होकर के चलती है लेकिन भला नदी अपना पानी स्वयं पीती के नहीं, सारा पानी दूसरों के लिए बांटती, दूसरों का जीवन बन जाती। इसी प्रकार कोई भी वृक्ष अपने फलों को खुद खाता है क्या? दूसरों को फल बांटता है। एक वृक्ष भी खुद नहीं खाता, एक फल भी खुद नहीं खाता। वही स्थिति हम मनुष्य शरीर में हम वृक्ष भी नहीं बन पाए, हमारे अंदर इतनी तो उदारता नहीं पाई। हम लोगों ने जीवन में केवल संग्रह किया और कुछ नहीं। सबसे बड़ा पाप है संग्रह, सबसे बड़ा पाप है संग्रह। इसलिए इस संग्रह का त्याग करना पड़ेगा। भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते तो किसी और की सेवा में लगा दो, गायों की सेवा में लगा दो, कुत्तों की सेवा में लगा दो, पक्षियों की सेवा में लगा दो, सबकी मनुष्यों की सेवा में लगा दो, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेवा में लगा दो, अपने पास मत रखो। ऐसे क्या होगा तुम आत्मवान बन जाओगे धीरे धीरे। और भैया पैसे को भी नहीं लगा सकते तो कम से कम ज्ञान का अनुशीलन ही कर दो। यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, जाकर के कम से कम भक्तों के सानिध्य में कहीं बैठने को मिल जाए तो कम से कम उतना ही चेष्टा करो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म हाँ श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ये बहुत सुंदर भगवान बता रहे हैं। 12वां जो श्लोक है ये फिर भी रहस्यमय बड़ा श्लोक है, इसको हम कल के दिन भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अभी भी हम 12 श्लोक तक ही पहुंच पाए, समय हो गया है, हम सोच रहे थे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा सा ट्विस्ट रखने वाला श्लोक है, इसमें थोड़ा रहस्य है, इसको हम कल प्रयास करेंगे इसको खोलने का। तो आज समय हो गया है, हम सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें और भक्ति में अपने जीवन को एंगेज कर दें। जीवन को संयमित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे लिए लिफ्ट अवेलेबल हो जाएगी कर भगवान कर उद्धार। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। जस्ट हियर एंड वी हैव टू चैंट। थैंक यू।